हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से आप अपनी स्लीप को अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस लें, वेदर इट इज़ यूट्यूब और योर जूम क्लासेस, तो बहुत सारे स्टूडेंट फील करते हैं स्लीपीनेस और लेजीनेस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करोगे, कुछ एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। अगर आप बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब तो फिर भी ठीक है, अगर आपका एक वीडियो में मन नहीं लगा तो आप दूसरी देखने लग जाते हैं, बोला कोई बात नहीं। लेकिन जूम क्लासेस, वहाँ की तो बात लगे एटमॉस्फेयर एकदम टोटली अलग। तो कैसे आप इन सारी चीजों को कोप अप करेंगे, कैसे आप इन चीजों से बच कर रहेंगे और अपनी क्लास पर पूरा फोकस कर पाएंगे। देखिए, कुछ एक चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देनी है, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हो तो आप कल से ही आप अपनी क्लासेस में एक बड़ा चेंज देखेंगे। आपकी जो फीलिंग होगी, एक्साइटमेंट होगी, वो हमेशा बनी रहेगी। देखिए, तो मेन चीज आप भी समझिए कि सबसे पहला काम आपको जो करना है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, दैट इज एंगेज योरसेल्फ। पहले आप खुद को एंगेज करना सीखे भाई, है ना। जब तक आप एंगेज नहीं करोगे खुद को, आपको स्लीपी फीलिंग आएगी आएगी। क्लासेस में क्या होता है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो पास वाले से आपने पेन मांग ली, कॉपी मांग ली, दो बातें कर ली, जिससे क्या होता है आप कितने ही फोकस से करना है, लेकिन जब आप पूरा एटमोसफेयर देखते हो ना आसपास क्लास का, तो अपने आप ही आपको पता नहीं पड़ता कि घंटा कैसे निकल जाता है। जबकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं है, सिर्फ आप हो और आपका टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, तो इतना ज़्यादा फोकस आप रहना पड़ता है आपको। तो क्या करें, आप खुद को एंगेज करके चले। जैसे मान लीजिए टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, तो आपको करना है कि टीचर के साथ साथ चीज़ों को रिपीट करना है, माइक ऑफ करके, है ना। टीचर के साथ साथ आपको खुद को रिपीट करना है। चाहे आप यूट्यूब पर भी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, तो जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको रिपीट करना है। और हर एक टीचर जो है आपसे कहता है कि भाई एक बार इसको रिपीट करो, तो खुद से क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर देने की कोशिश करो, चाहे वो गलत हो जाए। तो जब आप इस तरह से खुद को एंगेज करेंगे, इंगेज कैसे आप रिपीट कर सकते हो, इसके साथ साथ जो कहा जा रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब जब कहा जा रहा है तब आप उस समय ही अपने एट ए टाइम नोट्स बना के चले, तो इस तरह से आप खुद को इंगेज कर पाओगे। एक घंटे की क्लास भी आपको छोटी लगेगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पहले खुद से प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना। कम से कम इतना तो कर लो जो कि आपका जो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन आप जो है खुद से पढ़ के जाओगे। तो जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ के जाओगे तो आपको ऑलरेडी, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ के रखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, बट टर्म्स तो आपने पढ़ लिए होंगे, तो जो टर्म्स क्लास में रिपीट कराए जाएंगे फिर वो आपका ब्रेन जल्दी कैच कर पाएगा उनको। और पहले अगर आप 30% समझ पा रहे थे, 70-80% आप ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द क्लास। जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज योर मेंटेन योर पॉस्चर। तो भाई पॉस्चर को हमें मेंटेन करके चलना है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अगर आपने अपना पॉस्चर बिगाड़ा तो आपके जेस्चर ही बिगड़ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ही बिगड़ जाएगी और क्लास तो खत्म हो जाएगी, उसकी तो फिर केयर कोई करेगा नहीं। 40 मिनट ही क्लास में अगर आप 4 मिनट में ढेर होना चाह रहे हो, तो अपना पॉस्चर गलत तरीके से रखें। अदरवाइज आप सही तरीके से बैठेंगे तो आपके ब्रेन को सही सही सिग्नल जाएंगे और आप पूरी क्लास को पूरे फोकस के साथ अटेंड कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका मेंटेन योर स्क्रीन डिस्टेंस। मेंटेन, ये बड़ी जरूरी चीज है, मेंटेन योर स्क्रीन डिस्टेंस। देखो, अब जो स्क्रीन डिस्टेंस है ये जरूरी है, बिकॉज अगर आप मान के चलिए अगर मोबाइल आपने काफ़ी पास में रखा हुआ है, तो हमारी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे हम खुद ही एग्जॉस्ट फील करेंगे। स्ट्रेन ज़्यादा पड़ने से हम खुद ही एग्जॉस्ट फील करेंगे, जिससे हमारा जो पढ़ाई से मन होगा वो जल्दी ही जो है हट जाएगा और हमें फिर आलस आने लगेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप खुद को जो है चाहते हो कि आपको किसी भी तरह का आलस या लेजीनेस ना आए, तो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी फैक्टर जो है काम नहीं करेगा अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो, है ना। खुद को इंस्पायर्ड रखना पड़ेगा कि आप ये जो क्लास ले रहे हो इसका कॉज क्या है। अगर आप इसकी डिटेल को नहीं जानोगे, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, तो आप कुछ भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको हमेशा लेजीनेस और स्लीप आएगी ही आएगी, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये रीज़न जो है, ये खुद से पूछो कि इसका रीज़न क्या है। हाँ जी, अगर आप क्लास 10th और 11th में हैं, लेजीनेस से बचना चाह रहे हो, जूम क्लासेस थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो रही है, तो आप फिजिक्स के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट करें। आपको फिजिक्स के शानदार लेक्चर्स मिलेंगे 11th 12th के। इसके साथ साथ साइंस जो है, साइंस के भी आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा 10th क्लास का। तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट करें। आपको 11th क्लास के लिए
अभी अभी अब आप 11th क्लास में आए हो तो बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।